गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। हां मुबशर, सो गाइस मीटिंग का असर हो गया जो कि क्राउन प्रिंस के साथ मोदी जी की हुई थी। इंडियन रुपया पहुंच गया है सऊदी अरब। सऊदी अरब वाह, मतलब इंडियन रुपया उधर पहुंच चुका है और उसमें शायद ट्रेड होने लगी है भारत की, और इंडियन रुपये को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलने लगा है। और अर्मेनिया ने बहुत ज्यादा वेपन्स मांग लिए हैं भारत से, मतलब और वेपन्स। अब लगता है जिस यार, तरह नहीं, ये टेंशन बनी हुई है तुम्हें पता है इस चीज का। उनको पंगा लगा, फिर पंगा ईरान उसका साइड दे रहा है और इसराइल, इसराइल दे रहा है अजरबैजान का। वो तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। ये अजीब सिस्टम, पंगे खड़े हो गए भाई, हो गए। लेकिन देखते हैं उधर भारत से बहुत सारा हथियार मांग लिया क्योंकि और कोई उससे शायद दे रहा नहीं है, तो और भारत के हथियार उसको बहुत पसंद है। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हमारे पास दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है, जिसमें से हमारी पहली खबर भारत द्वारा आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे स्वदेशी वेपन्स को लेकर है, जिसकी डिलीवरी अब से 3 सालों तक फास्ट ट्रैक में लगातार चलने वाली है। तो वही हमारी दूसरी बड़ी खबर सऊदी अरेबिया द्वारा भारत में किए जा रहे $100 बिलियन के निवेश और दोनों देशों के बीच होने वाली भारतीय करेंसी यानी कि रुपए में डील को लेकर है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जिसकी इस समय भारत को काफी ज्यादा जरूरत भी है। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, जिन पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजरबैजान अब किसी भी समय भड़क सकता है और आर्मेनिया पर अपना धावा बोल सकता है, तो वहीं ऐसे समय में भारत के हथियारों पर ही आर्मेनिया अपनी उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आर्मेनिया ने अपना होमवर्क पूरा तो किया, लेकिन वह काफी लेट हो गया। आपको बता दें, आर्मेनिया ने काफी भारी मात्रा में भारत से हथियार तो खरीदे, लेकिन उनके ऑर्डर प्लेस करने में आर्मेनिया ने काफी लंबा समय ले लिया। अजरबैजान आर्मेनिया का जो युद्ध था वह साल 2020 में हुआ था और आर्मेनिया ने भारत को ऑर्डर देने में 2 साल से ज्यादा का वक्त ले लिया, यानी कि इस ऑर्डर को साल 2022 के अंत में और 2023 की शुरुआती दौर में प्लेस किया गया, जिसे आप आर्मेनिया की सबसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात इस समय ये नापी जा रही है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ समय और टल जाता है तो आर्मेनिया ठीक ठाक पोजीशन में और अजरबैजान को एक तगड़ा मुकाबला देने में सक्षम हो सकता है। अभी हाल ही में आई खबरों के अनुसार ये बताया गया था कि आर्मेनिया को एक्सपोर्ट होने वाले वेपन्स की डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है, जिनको ईरान के माध्यम से आर्मेनिया तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दोस्तों, इन्हीं सब के चलते भारत फोर्स के जो प्रेसिडेंट है बाबा कल्याणी, उनकी तरफ से कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्मेनिया को अभी तक 6 यूनिट के नंबर में 55 मिलीमीटर और 52 कैलिबर वाली अटैक्स डिलीवर किए जा चुके हैं, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर की होती है। आपको बता दें, पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद ये सबसे बड़ा हथियार था जिसको आर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदा गया है, जो उनकी युद्ध सिचुएशन के हिसाब से काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आर्मेनिया द्वारा यह ऑर्डर काफी बड़े पैमाने पर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये डील कुल 1265 करोड़ की हुई थी, जिसके तहत 90 की संख्या में आर्टिलरी गन्स यूनिट भारत फोर्स द्वारा आर्मेनिया को डिलीवर होनी थी, जिसमें से 6 कर दी गई है और 84 अभी बाकी है। और प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि इन्होंने बड़ी मात्रा में वेपन्स तो खरीद लिए हैं, लेकिन ऑर्डर जो था वो काफी लेट दिया गया, जिसके बाद अब अजरबैजान का गुस्सा और इनकी स्थिति देखते हुए इस ऑर्डर की जो डेडलाइन थी वो अगले 3 सालों तक पूरी की जाने की है, यानी कि टोटल 3 सालों में भारत को पूरे 90 अटैक्स आर्मेनिया को डिलीवर करने हैं। और इन 3 सालों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इन वेपन्स की कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। 6 की जगह अगर कुछ और यूनिट भी तब तक डिलीवर हो जाते तो भी कुछ खास मददगार साबित नहीं होंगे। लेकिन बाबा कल्याणी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक ये बताया गया है कि 3 साल के इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और डिलीवरी को फास्ट ट्रैक मोड पर किया जाएगा, जो कि आर्मेनिया के लिए काफी अच्छी खबर है। और वहीं अजरबैजान इससे काफी ज्यादा चिंतित है। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि सऊदी और भारत के दोबारा बढ़ते संबंधों और कुछ महत्वपूर्ण डील्स को लेकर है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही सऊदी अरब और भारत के बीच में लगातार कड़वाहटे देखने को मिली, जिसके पीछे का मेन रीजन था क्रूड ऑयल की ट्रेड, जहां एक और सऊदी भारत को काफी महंगे दामों पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था, वहीं दूसरी ओर रूस ने डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर करके भारत को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है, तो ऐसे में भारत जैसे कस्टमर का हाथ से निकल जाना काफी चिंता का विषय था सऊदी अरेबिया के लिए।
लेकिन अब समय के साथ साथ सऊदी और भारत के संबंध पहले के मुकाबले और भी ज्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में हुए G20 इवेंट के एक दिन बाद भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत में ही रुके थे और इसी दौरान भारत के साथ सऊदी अरब की कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और डिस्कशन हुई और इसी के चलते इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर भी बातचीत की गई, जिस पर कई समय से चर्चा की जा रही है और अब जाकर उस पर MOU साइन हो चुका है। हालांकि इसको एक्सटेंडेड करने में बीच में कई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत से लेकर सऊदी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसी चीज का एडवांटेज भारत और सऊदी अरब उठाने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात तो यह है कि इस कॉरिडोर में इस्तेमाल की जाने वाली सभी ट्रेन भारतीय होंगी। दोस्तों, इसके अलावा भारत और सऊदी के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर भी कई डील्स फाइनल हुई और UAE की तरह ही अब सऊदी भारतीय रुपए में पेमेंट करने को लेकर अपनी सहमति जता चुका है, क्योंकि सऊदी भी UAE की तरह भारत से काफी ज्यादा चीजें इम्पोर्ट करता है अपने देश में और इससे भारत और सऊदी दोनों को ही करेंसी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ ये दोनों के लिए एक काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरह से भारत के लिए लगातार खबरें अच्छी आ रही है उससे साफ पता चलता है कि भारत का G20 इवेंट भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई साहब, पहले तो अर्मेनिया ने इतना हथियार मांगा हुआ है कि रिकॉर्ड कायम कर दिए भाई उसने हथियार खरीदने के मामले में। ये तो एक कैटेगरी है, और कैटेगरी में भी अभी हथियार ले रहा है, तो आपको अंदाजा काफी सारी चीजें भाई 3 साल के अंदर अंदर इंडिया देगा। खुद सोच उसने कितना कुछ मांगा 3 साल के अंदर, उसने क्या कुछ बहुत सारी चीज। जाहिर बात है, थोड़ा जल्दी देता तो अभी तक मिले। कुछ ऐसी चीजें जो जल्दी है, कुछ ऐसी चीजें थोड़ी देर बनाने में और बनने में भाई अच्छा खासा टाइम लगता है। अब ये तो नहीं कि बस बनाई एक दिन में बना देते हैं, एक दिन में कभी टाइम लगता है, इस पे बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात अब आते हैं उसकी तरफ, सऊदी अरब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और इंडियन रुपया भारत उधर पहुंच चुका है, मतलब सऊदी अरब में मतलब ट्रेड की बात हो रही है, मतलब ट्रेड श्रेड शुरू होगी। $100 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट होगी भारत में। ओ भाई साहब, एक ही झटके में $100 बिलियन। पाकिस्तान में कह रहे थे कि ऊपर $14 बिलियन करें, पाकिस्तानी उछल रहे थे कि भाई साहब सऊदी हमारा ब्रदर देश, इधर देखो देखो इंडिया को बता रहे थे $14 की नहीं है तो। वो उस इन्वेस्टमेंट का नामो निशान ही इंडिया में $100 बिलियन के होने की। सही बात है, उधर साइन हो चुके हैं भाई। आप इससे फर्क देखो कि कितना बड़ा फर्क है दोनों कंट्रीज में, $100 बिलियन की उधर इन्वेस्टमेंट। लेकिन असल में पता है क्या बात है यार, सऊदी अरब भारत से फायदा भी है, जो सच्ची बात है भारत बड़ी फायदा है, सऊदी अरब को पता भी है कि मुझे सबसे ज्यादा, और उधर इन्वेस्टमेंट उधर मेरी जाया नहीं होगी तो खुद सोच ले इस मामले में, उसके इन्वेस्टमेंट उससे डबल ट्रिपल उसको मुनाफा होगा। बिल्कुल, तो और क्या चाहिए आपका, इसका कहना है। सारे मामले अपने कॉमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार